Hello, creative actors. This is Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chili's Films under support CIMS Emmys. So, आज का एक प्रश्न आया है जो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है कि एक्टर कैसे बना जाए. यानी कि आप फ्रेशर हैं, आपने आज तक कभी एक्टिंग के बारे में सुना नहीं है और फिर आपके दिमाग में एकदम अचानक सवाल आता है कि मुझे एक्टर बनना है, आज मुझे एक्टर बन के ही रहना है. तो फिर आप एक्टर कैसे बनेंगे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जानना, क्योंकि ये हर एक फ्रेशर या फिर जो भी लोग सोच रहे हैं एक्टर बनने के बारे में, उनके लिए बेहद ज़रूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर अब आप सभी लोगों के जो भी प्रश्न होंगे उनके भी जवाब देने की कोशिश करूँगा. तो एक्टर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एक्टर होता कौन है, राइट? एक्टर बना कैसे जाए, आखिर एक्टर कौन कौन बन सकते हैं, या फिर क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि उसकी क्या योग्यता है, है ना. जब भी आप कहीं सरकारी नौकरी के लिए या फिर किसी भी प्राइवेट नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपको पता होता है कि हर कोई आपसे एक डिमांड करता है कि आप उस चीज़ के एलिजिबल हैं या नहीं है, आप उसका योग्यता रखते हैं, मापदंड आपका उस तरह का है या नहीं है, तभी आपका सिलेक्शन होता है. चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ. बिल्कुल, आपने सोचा कि यार मुझे एक्टर बनना है, आपने सबसे पहले न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन मैगजीन्स वगैरह या फिर ऑनलाइन जितने भी आजकल ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक्स जितने भी ऐड निकलते हैं, क्विकर वगैरह और इन सब पे आपने देखा, वहाँ पर आपको तुरंत पता लगा कि वहाँ पर एक्टर बनने का ऑडिशन निकला हुआ है, आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, राइट? लेकिन ऐसे करने से क्या होता है, अचानक आप भ्रमित हो सकते हैं. इससे क्या होता है कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो कि कास्टिंग डालते रहते हैं, और उनका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन मान लीजिए खोलने वाला है कोई लड़का या लड़की, उसको मिल जाता है तुरंत, उसको उस तरह की कास्टिंग एजेंसीज मिल जाती हैं जहाँ पर पैसों की डिमांड की जाती है, पोर्टफोलियो की डिमांड की जाती है, आर्टिस्ट कार्ड की डिमांड की जाती है, बस वहीं से उनका जो है थोड़ा सा डीमोटिवेशन होना चालू हो जाता है. बिकॉज आप लोग उस नंबर को देखने के बाद वहाँ पर अपना प्रोफाइल सेंड करेंगे, फोटो सेंड करेंगे, उसके बाद वो लोग आपसे डिमांड करेंगे कि आप पैसे दीजिए, हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनवाएंगे, हम आपके लिए आर्टिस्ट कार्ड बनवाएंगे, हम आपको एक्टिंग सिखाएंगे, हम आपको ये करेंगे, फलां ढिंका, बहुत सारी बातें. तो ये सारी की सारी बातें होना शुरू हो जाती है, जो कि आपको स्टार्टिंग और शुरुआत में नहीं करनी चाहिए. अगर आपको एक्टर बनना है तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपको सीखना है, राइट? अगर आप सीखेंगे तभी आप आगे एक्टर बन सकते हैं, अच्छे एक्टर बन सकते हैं, ये भी ज़रूरी आपको जानना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना सोचे समझे बॉलीवुड में आ जाते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, निराशा हाथ लेकर चले जाते हैं वापस, फिर आने की उनकी अंदर हिम्मत नहीं होती कि आखिरकार कैसे आएँ फिर दोबारा से, तो हमेशा जो है किसी भी चीज़ को करने से पहले आप सीखते हैं. जैसे आप पढ़ाई करते हैं उसके बाद ही आपकी जॉब लगती है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपकी जॉब ही नहीं लगेगी, राइट? तो इसलिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी हो जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए, और उसके बाद जॉब आपको प्राप्त करने के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक्टिंग की समझ होनी चाहिए, एक्टिंग क्या होती है, कैमरा एंगल्स प्लस ऑडिशन कैसे दिया जाता है, प्रोफाइल क्या होता है, और मुझे किस तरह से अपने ऑडिशन इस वक्त देने चाहिए, ऑडिशन देने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक मुद्दा है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आप या तो कोई भी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, या फिर सरकारी संस्थाएँ जो हैं जैसे कि NSD और BNA, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं. NSD मतलब नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा, जो कि दिल्ली में स्थित है, और IIFT पुणे, जो कि एक पुणे में स्थित है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एक BNA जो कि शायद लखनऊ में है, आई थिंक सो, BNA भारतेंदु नाट्य अकेडमी, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर आपको कुछ बेसिक आइडिया दिया जाएगा एक्टर बनने का, कुछ आपको किताबें पढ़ाई जाएंगी, कुछ आपको थियोरेटिकल बातें सिखाई जाएंगी, फिर आपको कुछ वहाँ प्लेज कराए जाएंगे जिसको करने से सीखने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, राइट? ये सब करने के बाद आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक ढांचा पता लग जाता है कि आखिरकार एक्टर होता क्या है. तो अब आप एक्टर बनने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, स्टार्टअप हो चुका है, अब बात आती है कि काम कहाँ से मिलेगा. तो एक्टर बनने के बाद ही आपको काम मिलता है, अगर आप एक्टर नहीं हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा, ये भी आप याद रखिएगा. या फिर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट हो, उस टैलेंट के माध्यम से ही आपको काम मिलता है, राइट? तो अब क्या आता है कि आपको
ऑडिशन देखने पड़ेंगे। ऑडिशन हमारे इस एक्टिंग फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ऑडिशन नाम का एक शब्द है जो कि हम सबको पता होना चाहिए जो भी हम फ्रेशर्स हैं, यानी कि अगर आपको एक्टर बनना है तो ऑडिशन देना पड़ता है, अगर आपको मॉडल बनना है तो आपको ऑडिशन देना पड़ता है, तभी आपकी जो सिलेक्शन हो सकता है, राइट। तो आपको जो है ऑडिशन देने के लिए अब आप जो है नेट पर सर्च करेंगे, कहीं पर सर्च करेंगे, या फिर अगर आप डायरेक्टली मुंबई में हैं तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस में जाकर एंट्री लेनी है, ऑडिशन देना है, राइट। तो वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको ऑडिशन देना है एक्टर बनने के लिए, और वो सारी चीज़ें आपको स्टार्ट करनी है बेसिक से, ठीक है। धीरे 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 ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, और करते 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 आपके अंदर एक्सपीरियंस आता चला जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ऑडिशन देना आना चाहिए। अगर आपने कहीं से एक्टिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रखी हैं, ज्वाइन करने के बाद आप आए हैं, तो आपको ऑडिशन देना आता होगा, आपको प्रोफाइल देना आता होगा, आपके पास पोर्टफोलियो टाइप का यानी फोटोज़ वगैरह टाइप की चीज़ें होंगी, वो आप भेज सकते हैं, कर सकते हैं। अब बात दरअसल यह है कोविड के बाद से थोड़ा क्या हुआ कि ऑनलाइन ऑडिशंस पे ज़्यादा महत्व देने लग गए लोग बाग, और जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं यानी कि जो आपको कास्ट करेंगे, हमारे यहाँ पर जैसे जॉब इंटरव्यू आप देने जाते हैं कि सरकारी किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए, तो आप क्या करते हैं वहाँ पर एक एचआर को इंटरव्यू देते हैं। यहाँ पर आपके सामने होगा कास्टिंग डायरेक्टर, वो एचआर नहीं होगा, वो कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको सबसे पहले रूबरू होगा, कास्टिंग डायरेक्टर होगा, या फिर उनके कास्टिंग के असिस्टेंट होंगे, कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट होंगे, और या फिर ट्रेनी भी हो सकते हैं जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, तो वो लोग आपसे रूबरू होंगे, आपसे पूछेंगे आप क्या नाम क्या है, कहाँ से हो, वो आपको देखने के बाद ही आपका लुक डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद कहीं आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट इन द सेंस जिसमें लाइनें लिखी होती हैं, वो उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी जो कि ऑडिशन वहाँ पर चल रहे हैं, राइट। मान लीजिए किसी सीरियल का ऑडिशन चल रहा है और आप वहाँ पर ऑडिशन देने गए, वहाँ पर अब क्या होगा कि आपका एक ऑडिशन लिया जाएगा, ऑडिशन लेने के बाद ही आपको वहाँ पर काम दिया जाएगा, राइट। तो ऑडिशन देने का जो तरीका होता है वो सब आपको पता ही होगा क्योंकि आपने क्लासेस में सीखा होगा। अगर आपने नहीं सीखा है तो हमारे एक चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस हैं, ये नई वीडियो बिल्कुल मैंने बिल्कुल नए तरीके से शुरू कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने की दोबारा से शुरुआत हो सके, क्योंकि हो सकता है कि हमारे इस चैनल का थोड़ा सा SEO डाउन हो चुका है, इसी वजह से जो नई नई वीडियोज़ हम लोग डाल रहे हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुँच रही है, राइट। तो अब क्या है कि आपके पास ऑडिशन का स्क्रिप्ट आ गई, सब कुछ हो गया, आपने ऑडिशन दे दिया, उसके बाद आप शांति से घर चले जाएं, अपना इंतज़ार करें, और फिर कल दोबारा से उठकर दोबारा से कहीं और ऑडिशन के देने के लिए निकल जाएं। ये एक पूरा प्रोसेस है। अब वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर आपके अंदर देखेगा कि आपका एक्टिंग कैसी है, किस तरह की है, अगर उनको लगता है कि आपके अंदर कुछ है तो वो आपको फाइनल कॉल करेगा, या फिर आपके लिए सीधे सीधे सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपसे वो बजट डिस्कशन करने के लिए वो आपसे कॉल करेंगे कि आप कितना लेंगे, क्या लेंगे चार्जेस, वो एक बात की बात है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि एक्टर बनने के लिए आपको ऑडिशन देना होता है, जो कि हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में जो कास्टिंग डायरेक्टर आपका ऑडिशन लेते हैं, राइट। सबसे बेसिक मुद्दा क्या हुआ कि आपको ऑडिशन का पता करना है, सही ऑडिशन का पता करना है, फेक लोगों से बचकर रहना है, जहां पर भी आपको नंबर लिखे हुए दिखाई दें ऐसे लोगों से बचकर रहें। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं या जो ओरिजिनल कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो आपसे ईमेल पर मांगते हैं, मेल मांगते हैं, मेल के थ्रू आपसे अपना प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल मांगेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, वो आपसे कभी पैसों की डिमांड नहीं करेंगे, कभी भी आपसे ऑडिशन के नाम पर पैसा नहीं लेंगे, कभी आपसे पोर्टफोलियो नहीं मांगेंगे, कभी आपसे आर्टिस्ट कार्ड स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं मांगेंगे। ये बात बिल्कुल बेसिक है, याद रखिएगा। आप बॉलीवुड में आना चाह रहे हैं, एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आपको एक्टर बनने के लिए सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें पता होना बेहद ज़रूरी हो जाती हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं बॉलीवुड में, तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीख गए होंगे, सीख गए हैं, समझ गए हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर पहले भी बताता था और अब भी बताऊंगा और आगे भी बताता रहूँगा कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं एक्टर बनने के लिए, और एक्टर कैसे बना जा सकता है एक अच्छा और शानदार और बेहतर एक्टर।